हेलो बच्चों, स्वागत है आपका फिर से एक बार आपके प्यारे चैनल स्टडी विद यूनिक पे। पिछला हमने देखा था 5.2 एक्सरसाइज जो कि थी वेक्टर्स, हमारा जो 12th का चैप्टर है 5th वेक्टर्स उससे, ठीक है। तो इस बार हम देखेंगे 5.2 के 6 क्वेश्चन हम अपडेट कर चुके हैं पार्ट 1 में। पार्ट 2 में हम बाकी के क्वेश्चन जो हमारे 7 से लेकर 12th तक वो कम्प्लीट करने वाले हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो 7 क्वेश्चन देखते हैं बेटा हमारा। Prove that a quadrilateral is a parallelogram if and only if its diagonal bisect each other. Textbook ले लिया बेटा हाथ में, ले लो नहीं होगा तो, ठीक है। तो देखिए क्या बोला है कि एक quadrilateral है, एक parallelogram है। Prove that the quadrilateral is a parallelogram if and only if its diagonal bisect each other. मतलब अगर एक हमारा quadrilateral parallelogram है तो उसके diagonals bisect करने चाहिए। क्या करने चाहिए? Bisect, ठीक है। तो चलिए कोई एक quadrilateral ले लेते हैं, बोल देते इसे कि पहले एक parallelogram है। क्या है? पैरेललोग्राम है, ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल इफ एंड ओनली इफ इट्स डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। मतलब इसके जो डायगोनल है बेटा एक दूसरे को बाइसेक करने चाहिए, ऐसा बोला हुआ है, ठीक है। तो ये बाइसेक करने चाहिए। तो सपोज हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है, सेवन प्रॉब्लम है यहाँ। प्रैक्टिस सेट क्या है हमारा? 5.2 याद रखना, मतलब एक्सरसाइज 5.2। तो चलिए देखते हैं, लेट लेट से स्टार्ट करना। लेट क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम, इज अ पैरेललोग्राम। ओके, क्लियर है? हमने क्या ले लिया कि भाई जस्ट एक पैरेललोग्राम है जिसका नाम क्या है? एबीसीडी। ओके, इसका नाम क्या है? एबीसीडी है। तो ये पैरेललोग्राम है बेटा। अब बोला तो है कि एक पैरेललोग्राम तब होता है क्वाड्रिलेटरल, मतलब कोई भी क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल है जिसके चार साइड होते हैं, वो कोई भी क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम कब होता है बेटा? जब जब उसके जो डायगोनल्स है वो बाइसेक्ट करे एक दूसरे को। सीधी सी बात है, मतलब PA AC का मिड पॉइंट हो गया और PA BD का मिड पॉइंट हो गया। ओके, क्लियर है? ये आपको 9th में थे थ्योरम्स सारे के सारे, ठीक है। तो क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम, ये क्लियर हो गया आपका। चलिए आगे देखते, लेट लिया हमने, समझो भाई है, समझो है, ठीक है। तो हम क्या बोल सकते हैं आप कि ये और ये साइड इक्वल है, ये और ये साइड इक्वल है। चलो तो लिखते, AB इज पैरेलल टू DC, पैरेलल है कॉन्ग्रुएंट बेटा, ठीक है। और AD इज कॉन्ग्रुएंट टू BC, यहां तक क्लियर है? अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। और हमें ये कॉन्ग्रुएंट है मतलब ये पैरेलल भी है बेटा, हाँ या ना, है ना? कॉन्ग्रुएंट है मतलब पैरेलल भी है, क्योंकि अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट एज वेल एज दे आर पैरेलल टू ईच अदर। ओके, क्लियर है? तो हमें प्रूफ क्या करना है? हमें प्रूफ यह करना है, यहां लिख लेता हूँ प्रूफ, जो हमें प्रूफ करना है वो लिख लेता हूँ। ब्लू पेन से लिखो, ठीक है, एक मिनट रुको, ब्लू पेन से लिखता है जो प्रूफ करना है वो। हमें प्रूफ क्या करना है बेटा कि पी जो है, पी ये पी वेक्टर जो है, ये पी वेक्टर जो है, ठीक है। आपको पता है अगर BD लूंगा मैं तो क्या हो जाएगा? D प्लस B अपॉन 2। अब प्लस है तो बी डी कोई भी पहले लोग, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। और यही पी वेक्टर हमें लिखना है कि सी वेक्टर प्लस ए वेक्टर अपॉन 2, ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। क्लियर है यहां तक? पूरा क्लियर, ठीक है। चलिए ये हमारा टू प्रूफ है। क्या बेटा? टू प्रूफ है, टू प्रूफ, इसलिए इसको अलग पेन से लिखा जिससे कि आपको समझ में आ जाए। समझ गए? तो क्या बोला था इस क्वेश्चन में कि पैरेललोग्राम, एक क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम तब होता है जब उसकी डायगोनल्स बाइसेक्ट होगी एक दूसरे को, ठीक है। वैसे क्वेश्चन आसान है लेकिन थोड़ा ऐसा डायग्राम वगैरह नहीं है तो आप लोग थोड़े गड़बड़ कर देते, इसीलिए मैं बार बार बता रहा हूँ, ठीक है। तो देखना, ये जो पी है, पी ये इसका और इसका दोनों का क्या है? मिड पॉइंट है, ये हमें प्रूफ करना है। तो ये मिड पॉइंट फॉर्मूला है, ठीक है, ये तो हमको पता है, ठीक है। तो चलिए प्रूफ लिखते हैं इसका। क्या लिखते? प्रूफ डायरेक्ट लिखे तो भी चलेगा, कोई इश्यू नहीं होगा बेटा। AB इज इक्वल टू DC। तो AB का कैसे लिख सकते बेटा? B माइनस A इज इक्वल टू C माइनस D। तो क्या हो जाएगा बेटा? देखो अब ये D इधर माइनस है, ये देखो टू प्रूफ में, ये इधर आके प्लस, तो B प्लस D इज इक्वल टू, ये माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा? प्लस, क्या हो जाएगा? प्लस डिवाइड बाय टू ऑन बोथ साइड। ये लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट कर सकते हैं आप। देखो ये तो मिल भी गया, अब ये उल्टा है तो कोई बात नहीं, ऐसे भी हाथ चलेगा तो दोनों मिल गए, ठीक है। तो यहां लिख सकते हैं मिड पॉइंट ऑफ BD
इज इक्वल्स टू मिड पॉइंट ऑफ एसी, मिड पॉइंट ऑफ एसी इसे लिख सकते हैं आप चाहिए तो, ठीक है। देयरफॉर बीडी एंड एसी डायगोनल लिखो या चाहिए तो डायगोनल बीसी एंड ईडी हैव कॉमन मिड पॉइंट, हैव कॉमन मिड पॉइंट्स, ओके, हैव कॉमन मिड पॉइंट। देयरफॉर बीडी एंड एसी बायसेक्ट ईच अदर, अगर इनके मिड पॉइंट कॉमन है तो ये एक दूसरे को बायसेक्ट कर रहे हो, सीधी सी बात है, तो बीडी एंड एसी बायसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट, कौन से पॉइंट पे बेटा, एट पॉइंट पी, एट पॉइंट पी, समझे आया था, क्लियर है, ठीक है, समझे। तो अगर ये पैरेललोग्राम है तो ये हो रहा है, बोला था कि पैरेललोग्राम कोई भी क्वाड्रेंट पैरेललोग्राम तब भी हो सकता है, तो हमने प्रूव कर दिया है कि ये पैरेललोग्राम है तो ये बाइसेक्ट हो रहा है, इसका मतलब बाइसेक्ट हो रहा है तो पैरेललोग्राम होगा कन्वर्स, अगर ये पैरेललोग्राम है तो बाइसेक्ट कर, इसका मतलब बाइसेक्ट कर होगा, इसलिए ये पैरेललोग्राम है, इसलिए हम लिख सकते हैं देयरफॉर इफ डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट्स ईच अदर then it is a parallelogram, clear, यहां तक clear बेटा, पूरी तरीके से कोई टेंशन नहीं, ठीक है। एक बार से स्क्रीनशॉट निकाल लो, मैं 8 क्वेश्चन लिखता हूँ, चलिए शुरू स्टार्ट करते हैं अब 8 क्वेश्चन। तो देखिए 8 क्वेश्चन, प्रूव दैट द मीडियम ऑफ अ ट्रेपेजियम इज पैरेलल टू द पैरेलल साइड ऑफ द ट्रेपेजियम, मतलब एक ट्रेपेजियम है उसमें जो पैरेलल साइड्स होती है दो, उसको एक बीच वाली साइड पैरेलल है, मीडियन है वो, ठीक है, एंड इट्स लेंथ इज हाफ ऑफ द सम ऑफ पैरेलल साइड, और ऊपर से वो पैरेलल साइड्स के लेंथ के सम के हाफ है। तो चलिए अब बना देते हैं ट्रेपेजियम, बना दे सबसे पहले, वैसे कहते हैं बेटा ट्रेपेजियम, ठीक है, ट्रेपेजियम, ठीक है, समझ लो ये ट्रेपेजियम है, इसकी दो साइड पैरेलल होती है, ये पैरेलल है, ठीक है, एक मिनट देखो ये, तो आप सपोज ले लेते एबीसीडी इज ट्रेपेजियम, ठीक है, समझ गए, एबीसीडी इज अ ट्रेपेजियम, ये पी ले लेते, ये क्यू ले लेते, ओके क्लियर है। तो ये पी और क्यू मीडियन है बोलते, ये मीडियन है, मतलब ये दोनों को इक्वल पार्ट्स में क्या करते, डिवाइड करते, ठीक है, क्लियर है, आता कोई इश्यू आता नहीं, ठीक है। तो प्रूव ये करना है कि ये मीडियन है, प्रूव ये करना है कि ये मीडियन है, ठीक है, दिया हुआ नहीं है, प्रूव करना है हमें, प्रूव करना है कि ये मीडियन है, मिटा देता हूँ फिलहाल, फिलहाल हमें नहीं पता ये चीज, प्रूव करनी है, ये थ्योरम है समझ के चलो, तो प्रूव करना है, और ऊपर से प्रूव करना है कि इसके हाफ है, तो टू प्रूव हम ब्लू पेन से लिखते थे, ब्लू पेन हमें पास नहीं है फिलहाल, तो यही इससे लिख लेता, टू प्रूव देखो इसमें क्या है, टू प्रूव है बेटा, पहली बात तो है कि ये ट्रेपेजियम है, तो जो पी क्यू है, जो पी क्यू है वो क्या है, पैरेलल है, किसे, ए बी को भी, और सी डी या डी सी आपको जो लिखना है वो, ये पहला, और दूसरा ये है कि इन दोनों के सम के हाफ है, मतलब पी क्यू इज इक्वल टू हाफ ए बी प्लस डी सी, ये दो चीजें हमें प्रूव करनी, ठीक है, क्लियर है, पहले तो क्वेश्चन समझना चाहिए आपको, ठीक है, याद रखना। तो यहाँ प्रूफ लिखना चालू कर दू, चलो प्रूफ लिखते हैं, डायरेक्ट प्रूफ लिख सकते हैं आप, ट्वेल्थ में होगा, याद रखना ये चीज, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8। तो देखो ए बी इज पैरेलल टू डी सी, ए बी इज पैरेलल टू डी सी, ये हो गया हमारा नंबर 1, ए बी इज पैरेलल टू डी सी, ये हो गया हमारा नंबर 1, ठीक है। इसके बाद क्या लिख सकते हैं, अगर ए बी इज इक्वल टू एम इंटू डी सी, मतलब इसका अगर कोई स्केलर मल्टीपल होगा बेटा, तो ये 100% पैरेलल होगा, इसका स्केलर मल्टीपल तो कुछ ना कुछ तो होगा, कुछ ना कुछ, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो हमने यहाँ क्या कंसीडर कर लिया, वो एम हमने पहले सीख रखा है बेसिक में कि स्केलर मल्टीपल होना ही चाहिए, तभी वो पैरेलल हो सकते हैं, पैरेलल या कोलिनियर हो सकते हैं, ठीक है, पता होगा आपको ये चीज, ठीक है, समझ रहे, इससे पी क्यू इज अ मीडियन, क्या है ये, एक मीडियन है, ये क्या है, मीडियन, पी क्यू इज अ मीडियन, तो क्या हो जाएगा, पी इज इक्वल टू, पी इज इक्वल टू ए प्लस डी, ए प्लस डी
बाय टू ए प्लस बी बाय टू, ये पी वेक्टर ले सकते हैं, ठीक है। और क्यू वेक्टर क्या हो जाएगा बेटा, हमारा क्यू वेक्टर हो जाएगा बेटा सी, यानी बी एडिशन, एक ही चीज एडिशन में दोनों इधर उधर हो सकते सी वेक्टर बाय टू, ठीक है। यहां तक क्लियर, कोई इशू नहीं। अब देखो पी क्यू निकालेंगे, क्या निकालेंगे पी क्यू। अब पी क्यू कैसे बनता है बेटा, पी क्यू कैसे बनता है बेटा, क्यू माइनस पी, क्यू माइनस पी बराबर है क्यू माइनस पी, पी क्यू क्यू माइनस पी, क्लियर है। ये तो हमारा हमेशा का है, ठीक है। पीछे वाले से आगे वाला काट दो उसका यूनिट वेक्टर, सॉरी यूनिट वेक्टर बोला पोजीशन वेक्टर, ठीक है। तो चलिए पी में क्यू में देखते बी प्लस सी बाय टू, और बी में देखते ए प्लस डी बाय टू, इसमें ब्रैकेट दे दो क्योंकि साइन चेंज होते हैं इसके माइनस के कारण, माइनस ए प्लस बी, तो प्लस की जगह क्या हो जाएगा बेटा माइनस अपॉन टू, तो बी प्लस सी माइनस ए माइनस डी अपॉन टू। यहां तक क्लियर है, यह आ गया हमारा पी क्यू, क्या आ गया हमारा पी क्यू, यहां तक पहुंच गया। अब आगे देखो पी क्यू का यहां तक पहुंच गया, पी क्यू अगर हाफ है तो ये टू इधर जा सकता है, आगे सॉल्व कर सकते इसे, हाँ कर सकते, आगे सॉल्व कर सकते, यहां कर दो ये मिटा दो, ये समझ गया, ठीक है। वैसे भी लिखना नहीं था ये, आपको माइंड में करना है ये सारी चीजें, याद रखने को, ठीक है, आपको समझना चाहिए डायरेक्ट। तो टू पी क्यू इज इक्वल टू, टू पी क्यू इज इक्वल टू बी, ये देखो आप, अब यहां देखना, यहां एक ट्रिक है बी माइनस ए, तो क्या आ गया ए बी आ गया, क्या आ गया ए बी, तो इसके पास में बस ए लिख दो, और सी माइनस डी आ गया हमारा, समझ रहे हो ना, ए बी को कैसे लिखने वाला था ऐसे भी मैं बी माइनस ए, और डीसी को कैसे लिखता है सी माइनस डी, तो बात तो एक ही है ना, यहां लिख देंगे ए बी प्लस डीसी, डीसी लिखना सी डी मत लिखना गलती से भी, क्योंकि डीसी जब लिखेंगे तो होगा सी माइनस डी, अगर सी डी लिख दिया तो हो जाएगा डी माइनस सी, समझ रहे हो क्या, डी माइनस सी है क्या, नहीं यहाँ है सी माइनस डी, इसके लिए डीसी लिखेंगे, ओके क्लियर है। चलो बहुत अच्छी बात है, बहुत सारे बच्चों, ठीक है चलिए देखते यह वेक्टर, ठीक है क्लियर है यहां तक, ठीक है। चलिए अब यहां देखते हमें ये ऑलरेडी पता था कि ए बी ए एम डी सी है, मतलब ये इसका स्केलर मल्टीपल है क्योंकि इसके पैरेलल है, क्या इसके पैरेलल, इसे फॉर्मल लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये वन क्यू दिया इसे मत दो वन, इसे दो वन, यह फॉर्मल लिखना है हमें। तो टू पी क्यू, तो टू पी क्यू फिलहाल ऐसे रहते थे, देखते आगे क्या होता है, मौसम अभी भी चेंज हो सकता है प्रॉब्लम में, तो एम डी सी, यहां लिखते एम डी सी, यहां लिखते एम डी सी प्लस डी सी, क्लियर। तो यहां लिखेंगे पी क्यू इज इक्वल टू, ये टू इधर डिवाइड, तो एम यहां डी सी क्या हो जाएगा बेटा कॉमन, देखो डी सी दोनों में से कॉमन बन गया, क्या बन गया कॉमन, यहां बच गया वन, यहां बचा एम, क्लियर। और यहां ये टू डिवाइड में चलेगा, मतलब ये हो गया स्केलर मल्टीपल, क्लियर। तो पी क्यू का कोई तो भी स्केलर मल्टीपल है और डीसी के साथ वो इक्वल है उसके बाद, मतलब ये पैरेलल है, क्लियर, यहां तक क्लियर है। देयरफॉर इसलिए बोल सकते हैं कि पी क्यू इज पैरेलल टू डीसी, क्योंकि अगर किसी वेक्टर का उसके दूसरे वेक्टर के साथ स्केलर मल्टीपल में वो इक्वल होता है तो इन दैट केस दे आर पैरेलल, क्लियर। तो ये लॉ है, ये पैरेलल हो गया, इसलिए पी क्यू इज पैरेलल टू डीसी। अब देखो इसे नंबर दे दो टू, ठीक है इसे नंबर दे दो टू, या हमने लिखना था फ्रॉम वन, मैंने लिखा नहीं फ्रॉम वन, इसे भी नंबर चाहिए था वैसे, अब जाने दो उसको दे दिया ना, बार बार नंबर देने की कोई जरूरत नहीं है। अब यहां एक बार इसे लिख लो, यहां बट करके लिख लो, बट बट ए बी इज पैरेलल टू डीसी, अब देखो बट करके मैंने लिखा ना, यहां भी नंबर मत देना डायरेक्टली हो सकता, देखो ये दोनों एक दूसरे से पैरेलल है, ये दोनों नहीं, तो देखो पी क्यू डीसी से तो पैरेलल है, तो ए बी डीसी से, तो मतलब ये तीनों पैरेलल हो गए। अगर आपकी बिल्डिंग है सेकंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर से पैरेलल है और फर्स्ट फ्लोर थर्ड फ्लोर से पैरेलल है, मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों फ्लोर पैरेलल हुए, सीधी सी बात है। देयरफॉर ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू इज पैरेलल टू डीसी, यहां देन लिख सकते हैं देयरफॉर भी लिख लो तो भी चलेगा, क्लियर पैरेलल हो गए, इतना क्लियर हो गया आपको, पहले पैरेलल का आपको झमेला क्लियर हो गया है या नहीं, हो गया ठीक है। अब इसे दूसरा प्रूफ क्या था बेटा, कि हमें ये हाफ के इक्वल प्रूव करना था, यहां तक समझ गया आपको, क्लियर है यहां तक, कोई इश्यू यहां तक,
नहीं, इसके आपके इक्वल प्रूव करना था, कर दिया आपने आपके इक्वल प्रूव, बीच में कर दिया। देखो कैसे बदलो, देखो यहां है ना, यहां देखो, यहां इसके बीच में देखो, ये हो गया। तो यहां देखो, अगर मैं इसे साइड में लेता हूं, यहां लिख लेता हूं, देखो पी क्यू, ये टू इधर चले गए, ये टू इधर जाएगा, तो इज इक्वल्स टू वन बाय टू इन ब्रैकेट ए बी प्लस डी सी, तो यही तो एक दूसरे से पैरेलल है ना, तो हो गया ना ये प्रूफ, इसे भी एक बॉक्स कर लेना, क्लियर। तो यह हमारे दोनों प्रूफ कंप्लीट हो चुके हैं क्वेश्चन नंबर 8 के। ये एक्चुअली एक थ्योरम था बच्चों, जो 9th स्टैंडर्ड में है, अभी इसे हमने वेक्टर मेथड से सॉल्व करके दिया, बहुत ज्योमेट्रिक मेथड जो होती है हमारी रेगुलर, उससे सॉल्व करके दिया है। तो इसी के साथ एक क्वेश्चन हमारा खत्म होता है। अगर आपको नहीं समझा तो एक बार रिवाइंड करके देखो वीडियो, और ये सारे बेसिक थ्योरम से बेटा सिर्फ इतना याद रखना कि स्केलर मल्टीपल अगर होता है दूसरा वेक्टर एक वेक्टर का, ठीक है, तो इन केस वो पैरेलल होते हैं, इन दैट केस वो पैरेलल होते हैं। तो यहाँ देखो ये स्केलर मल्टीपल आ गया, इसका मतलब ये कुछ भी वैल्यू हो सकती है बेटा, कॉन्स्टेंट वैल्यू कुछ भी हो सकती है, उसमें कोई दो राय नहीं, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 9। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए बच्चों, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। इफ टू ऑफ द वर्टेक्स ऑफ अ ट्रायंगल आर ए 3, 1, 4 एंड बी आर -4, देखो ए क्या है हमारा 3, 1, 4 और बी है हमारा -4, 5, -3, ठीक है। एंड द सेंट्रोइड, एक ट्रायंगल का सेंट्रोइड दिया हुआ है बेटा, सेंट्रोइड दिया हुआ है, इसमें फिगर भी दी हुई है, इसलिए फिगर खुद से बनानी होगी। सेंट्रोइड -1, 2, 1, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द थर्ड सी, सी के कोऑर्डिनेट हमें निकालने हैं। सेंट्रोइड फॉर्मूला किसी के से आता है बेटा, ये हमारा 9th प्रॉब्लम है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है। तो एक ट्रायंगल बना लो, सिंपली एक ट्रायंगल बना लो, ए बी और सी, क्लियर है यहां तक, एक ट्रायंगल बन गया बेटा। अब ये ट्रायंगल जो है, ये ट्रायंगल हमें बताएगा, ये ट्रायंगल हमें गाइड करेगा, ये ट्रायंगल बना लेना चाहिए हमेशा बेटा, फिगर बना लेंगे तो क्या हो जाता है, हमें पता एक रफ आइडिया मिल जाता है हर चीज का। अब ये कोई सेंट्रोइड नहीं, ये मैंने अंदाज से बनाई, ठीक है। अब ये देखो, ये ज्यादा बढ़ रही, ये छोटी होगी, कोई बात नहीं, सिर्फ याद रखने के लिए। सेंट्रोइड जी, जी का क्या होता है वेक्टर, ए होता है इसके बटा, बी होता है इसके बटा, सी होता है इसके बटा, ए, ये लिख लेना, ठीक है। इसको ऐसे फॉर्म में तो नहीं लिख सकते, यहाँ पे बीच में ऐसे लाइन दे दो, पिछले बार भी दी नहीं थी, अब टेक्स्ट बुक में दी नहीं, मैंने दी नहीं, ठीक है, चलो ये क्लियर है यहाँ तक। अब इसे वेक्टर फॉर्म में लिखो, तो ए वेक्टर, पोजीशन वेक्टर लिखो इसका, लेट द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ ए बी एंड सी, लिख लेना यहाँ सेंटेंस कहा लिखू, यहाँ लिख लेना लेट पोजीशन, दिख रहा है आपको, क्लियर है ना, वेक्टर्स, वैसे मैं मुझसे बोल रहा हूँ, लेट पोजीशन वेक्टर्स ऑफ ए बी एंड सी आर ए बार बी बार एंड सी बार एंड जी बार, यहाँ कॉमा एंड एक ही बार लिखना पीछे, और यहाँ भी जी दे देना, आर रिस्पेक्टिवली, रिस्पेक्ट देना ना भूलना बेटा, ठीक है, क्लियर है। अभी छोटे से जगह में लिख दिया, आप भी लिख सकते हैं, ठीक है, क्लियर है यहां तक। तो देखो ए वेक्टर इज इक्वल्स टू 3i कैप, ठीक है, प्लस जे कैप प्लस 4k कैप, क्लियर है यहां तक, ठीक है। चलो अब बी वेक्टर -4i कैप प्लस 5j कैप -3k कैप, यहां तक क्लियर है। अब देखो सी वेक्टर इज इक्वल्स टू, सी वेक्टर इज इक्वल्स टू, सी हमें दिया नहीं है बेटा, ये जी था जो यहाँ सी के नाम पे लिखा हुआ था, नकाब पहन के बैठा था ये, तो देखो जी वेक्टर मैंने पहना है उसे, उसने नहीं पहना था, -i, क्योंकि यहाँ 1 लिख के कोई फायदा नहीं है, उपयोग नहीं है कुछ उसका, और यहाँ प्लस 1 लिख के कोई उपयोग है क्या, नहीं 1 लिखना ही नहीं, सीधा माइनस है, माइनस लिख दिया, विषय खत्म, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब देखो सी निकालना है, तो सबसे पहले फॉर्मूला पता है आपको, बाय सेंट्रोइड फॉर्मूला, अगर फॉर्मूला पता होगा ना तो कोई रोक नहीं पाएगा आपको, क्या है जी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी बाय 3, यहां तक क्लियर है बेटा, क्लियर है ना, यहां तक फॉर्मूला पता है। अभी सीखा था हमने लेक्चर स्टार्ट करने से पहले, इसके पिछले लेक्चर में जो बेसिक किया था, जी देखो -i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप इक्वल टू,
ए क्या है हमारा बेटा, थ्री आई कैप प्लस जे कैप प्लस फोर के कैप, क्लियर है। और बी क्या है हमारा, माइनस फोर आई कैप प्लस फाइव जे कैप माइनस थ्री के कैप प्लस सी अपॉन थ्री, क्लियर है यहां तक? यहां तक क्लियर? अब देखो, अब ये थ्री इधर बड़े प्यार से लेके आओ, तो एक ही स्टेप में इसे कर देना डायरेक्ट। देखो, थ्री इंटू आई माइनस थ्री आई, क्लियर। थ्री इंटू टू प्लस सिक्स जे कैप, ठीक है। थ्री इंटू वन प्लस थ्री के कैप, क्लियर। यहां तक अब आगे देखो, ये जो थ्री और ये फोर आया है, इसका कुछ कर दो यार। पहले यहां कर दो इसका माइनस आई, माइनस आई कैप, यहां हो जाएगा जे और जे, ये प्लस सिक्स जे कैप, ठीक है। यहां माइनस थ्री और यहां फोर, यह हो गया प्लस के कैप, क्योंकि ये बड़ा था बेटा, ठीक है, क्लियर है। इन दोनों में साइन अलग थी लेकिन ये बड़ा था, इसलिए प्लस, और यहां प्लस सी कैप, क्लियर। तो सी कैप अब बन जाएगा, ये इधर चल जाएगा बेटा। तो देखो, ये माइनस आई जब इस साइड जाएगा तो जाएगा बेटा प्लस आई, तो माइनस थ्री आई, इसको पास पास लिखना चाहिए, मान लो प्लस आई कैप, ठीक है, प्लस सिक्स जे कैप, और ये यहां माइनस सिक्स जे कैप, इधर आके ये माइनस प्लस थ्री के कैप बेटा, और ये माइनस के कैप, क्लियर। तो सी कैप इज इक्वल टू इन दोनों का माइनस टू आई कैप, यहां हो जाएगा जीरो, इन दोनों को कैंसिल हो जाएगा डायरेक्ट, और यहां हो जाएगा प्लस टू के कैप, क्लियर है यहां तक? समझ पा रहे हो? ठीक है, चलिए आप देखते हैं। जीरो लिखना है या बीच में जे का लिखना है? चलो इसे ऐसे भी लिख सकते हो बेटा, माइनस टू आई कैप प्लस जीरो जे कैप प्लस टू के कैप, ऐसे भी लिख सकते इसे। ऐसे भी कोऑर्डिनेट्स पूछे तो जीरो लिखना है, देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी बार या सी आर माइनस टू कॉमा जीरो कॉमा टू, क्लियर। यहां तक क्लियर है? क्या किया, सिंपल सेंट्रोइड फॉर्मूला लगाया। सेंट्रोइड फॉर्मूला लगाने के बाद हमने यहाँ जो एडिशन सब्ट्रैक्शन होती है हमारे रेगुलर, वो की, उसके बाद जो भी हमारा आंसर आया वो हमने सीधे लिख दिया। और यहाँ आपको पता है एक्स आई प्लस वाई, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, क्लियर है ना? ये तो आपको पता ही होगा, ठीक है। ये तो स्टार्टिंग में क्लियर हो चुका है हमारे बेसिक्स में। तो चलिए आप अगला क्वेश्चन लेते, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 10, जो शुरू करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 10। तो इन ट्रायंगल ओएबी ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ओबी। देखो ये ट्रायंगल है, बोलते हैं ओएबी, क्या नाम है इसका बेटा, ओएबी, ठीक है। तो ओएबी में क्या बोलते हैं, ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ओबी। ओबी का मिड पॉइंट कौन है बेटा, ई है, क्या है, ई है, ठीक है, क्लियर है आता। और डी इज द मिड पॉइंट ऑफ एबी, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ एबी, ठीक है, मिड पॉइंट है दोनों, नहीं, डी इज द मिड पॉइंट, डी इज द पॉइंट ऑन एबी सच दैट एडी इज टू बीडी, एडी इज टू डीबी इज इक्वल टू टू इज टू वन, क्या है बेटा, टू इज टू वन, मतलब ये टू और ये वन, ये मिड पॉइंट है, ये सेम है, ये मिड पॉइंट ये है, ठीक है, क्लियर है। इफ ओडी एंड ए इंटरसेक्ट एट पी, ये दोनों पी पे मिलते हैं, कहा मिलते हैं बेटा, पी पे मिलते हैं, ठीक है, क्लियर है। देन डिटरमाइन द रेशियो ऑफ ओपी इज टू पीडी, हमें निकालना क्या है, ओपी इज टू पीडी का रेशियो हमें निकालना है, ओपी इज टू पीडी, मतलब ओपी इज टू पीडी का हमें रेशियो निकाल, क्लियर है। यूजिंग वेक्टर मेथड, कौन सी मेथड, वेक्टर मेथड यूज करो बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, कुछ ना कुछ तो हो जाएगा प्रॉब्लम में। देखो मुझे तो ये प्रॉब्लम सिक्स जैसा दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर सिक्स जो हमने सॉल्व किया था उसमें दोनों रेशियो दिए थे, इसमें दोनों रेशियो नहीं दिए, इसमें एक मिड पॉइंट दिया, एक रेशियो दिया, जिससे कि हमें एक बार सेक्शन फॉर्मूला लगाना होगा बेटा, और एक बार हमें लगाना होगा मिड पॉइंट फॉर्मूला, क्लियर। पहली बात तो ये क्लियर है मेरे दिमाग में कि यहाँ एक बार सेक्शन फॉर्मूला, क्योंकि एक बार रेशियो दिया है और एक बार नहीं दिया, इसलिए मिड पॉइंट फॉर्मूला, क्लियर, ये याद रखना। जब भी रेशियो दिया रहेगा तब लगाना सेक्शन फॉर्मूला, और जब भी रेशियो नहीं दिया है, जब भी रेशियो नहीं दिया है, मिड पॉइंट बोला है सीधे, तो वन इज टू वन, ये रेशियो नहीं होता बेटा, वन इज टू वन यानी मिड पॉइंट, क्लियर, ये माइंड में सेट कर लो, ठीक है। तो चलिए आप शुरू करो, ठीक, चलो चालू करता। पहला
ट्रायंगल ओएबी इज इन ट्रायंगल ओएबी सॉरी इन ट्रायंगल ओएबी ई इज द ट्रायंगल की इंफॉर्मेशन लिख लो, ठीक है। पॉइंट ही लिख सकते, मैंने डायरेक्ट लिखा है इज द मिड पॉइंट ऑफ एबी, किसका है ओबी सॉरी ओबी एबी ने ओबी, ठीक है ओबी क्लियर। सेगमेंट लिखने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है। अब देखो डी पॉइंट डी डिवाइड्स एबी इन द रेशियो 2:1, ठीक है क्लियर है आता। तो चलो बाय सेक्शन फॉर्मूला लिखना है तो लिखो वरना मत लिखो, कोई जरूरत नहीं है बाय सेक्शन फॉर्मूला लिखने की, आपकी इच्छा होगी तो लिखना वरना मत लिखना बेटा, ठीक है। तो डी बार मतलब डी वेक्टर, ठीक है डायरेक्ट लिख सकते हैं पोजीशन वेक्टर इसका, ठीक है लिखने की जरूरत नहीं है, तो पोजीशन वेक्टर वगैरह वगैरह नहीं लिखे कोई इशू नहीं, आपको पता है डायरेक्ट लिख सकते हैं डी वेक्टर, ठीक है डी बार इक्वल टू बी माइनस ए क्योंकि ए बी की बात चालू है। ए बी देखो क्वेश्चन में भी साफ साफ बोला है कि इट इज इट डिवाइड्स ए बी, ए बी देखो क्वेश्चन में लिखा है दिस द पॉइंट ऑन ए बी, याद रखना ये चीज याद रखना, क्वेश्चन पे बहुत ध्यान देना है ध्यान से। बी माइनस ए मैं क्या लिख सकता बी माइनस ए, लेकिन एम एम और एन चाहिए तो एम किसके पास होता है बेटा पहले वाले का, मतलब यहाँ टू और यहाँ वन, समझ रहे हो तो यहाँ टू माइनस वन क्लियर है यहाँ पे, ठीक है। माइनस होगा क्या नहीं होगा बेटा प्लस होगा, जिसके ध्यान में आ गया बहुत अच्छे बेटा आप बहुत ध्यान से पढ़ रहे हो, ठीक है क्योंकि देखो इंटरनली है ना इंटरनल, ये डी इंटरनल ये ए बी के बीच में डी मतलब इंटरनल ये, इसलिए माइनस होगा बेटा नहीं होगा प्लस होगा, ठीक है। जिसने भी ध्यान दिया जिसको भी समझ आ गया ना वो सच में वो पढ़ रहा है बेटा, ठीक है। तो ऐसे ही चालू रखो बेटा, ठीक है। तो चलिए बड़ी खुशी होती है आप जैसे बच्चों को देख के, मुझे नहीं पता कौन लेकिन इसको भी समझ में आ गया, ठीक है। प्लस वन लिखने की जरूरत नहीं है, थ्री या हो जाएगा हमारा डी, तो उसमें भी हमने एक इक्वेशन बनाया था यहाँ भी थ्री इधर चले जाएगा, इसमें और एक मेथड है बेटा इसे करने की, लेकिन वो ना करते हुए मैं ये क्यों कर रहा हूँ क्योंकि आपको ऑलरेडी ये मेथड पता है, ठीक है। और एक मेथड है वो मैं आपको अगला क्वेश्चन करूंगा तो एक बार बता दूंगा, ठीक है समझ गया। तो ये याद रखो, ये समझ गया ना, यहाँ तक सिक्स क्वेश्चन की जैसे सेम है, जिसने सिक्स क्वेश्चन रिवाइज किया होगा लिखा होगा उसको पता होगा ये थ्री इधर जाता है, अब एक इक्वेशन बन गया तो इस इक्वेशन को नंबर वन दे दो, क्योंकि पी के लिए हमें क्या चाहिए था डी और ओ और हमें चाहिए ए और ई, तो बड़े शातिर तरीके से हम इन दोनों को भी लाएंगे छोड़ेंगे नहीं इसे, ठीक है समझ रहे हो, ठीक है। चलो अब देखो अब ई के तरफ बढ़ते हैं, चलो लेट्स मार्च टूवर्ड्स ई बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला, डायरेक्ट इसके हो गया यहां ये खत्म हो गया। अब बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला तो क्या हो जाएगा बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला, सीधा सीधा हो जाएगा इसका, तो प्लस ही करना है ना, तो ई वेक्टर डायरेक्ट कहीं भी ले लो कोई इशू नहीं, बी प्लस ओ ये जीरो नहीं है ये ओ है, ये जीरो नहीं है ओ है, दो बार रिपीट कर दो ये जीरो नहीं है ये ओ है, इतना याद रख लेना अपॉन टू, ठीक है क्लियर है। तो टू ई इज इक्वल टू बी प्लस ओ, ये हो गया हमारा इक्वेशन टू हो गया बस। अब यहाँ टू की कमी है बेटा, बी के पास टू नहीं है, तो यहाँ ये इक्वेशन डायरेक्टली बनाते हमें पता ही है ना कि सॉल्व भी करना है, तो यहाँ नंबर ना देते हुए यहाँ इक्वेशन को टू से मल्टीप्लाई करते हैं, तो टू 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 का क्या हो जाएगा बेटा फोर ई, और यहाँ टू इंटू बी टू बी प्लस टू इंटू ओ टू ओ बार, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन टू, अब तैयार है ये लड़ने के लिए इसके साथ, ठीक है कौन से मेथड एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। अब एक चीज याद रखना, यहाँ इंटू टू किया मैंने इक्वेशन ये वाला इंटू टू इसलिए टू टू जा फोर टू वन जा टू, किसी को नहीं समझ में आता बेटा उनके लिए बता रहा हूँ, ठीक है आप शार्प आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है जिनको नहीं समझा उनके लिए सब सबको साथ लेके चलना बेटा, ठीक है। तो चलिए अब देखो इक्वेशन सबका साथ सबका विकास, ठीक है। तो इक्वेशन वन माइनस टू, अब माइनस क्यों किया सर, अरे ये सेम है बेटा, अगर साइन सेम होते हैं बी और बी के साइन सेम है, मुझे बाकियों का लेन देन नहीं, ये दो कट रहे ना बस, मैं देखते हो आगे देखते क्या होता, पिछले प्रॉब्लम में भी सिक्स ने भी ऐसे किया था ना, याद रखना करते जाना मैथ्स में करना पड़ता, कुछ ना कुछ करोगे कुछ ना कुछ आएगा गलत आएगा शायद, लेकिन करना जरूरी है बेटा,
करोगे नहीं तो कुछ होगा नहीं, कुछ होगा नहीं तो कैसे होगा बेटा? क्या आपको लगता है कि साइंटिस्ट ने एक बार में कर लिया होगा सारा इन्वेंट जितना भी होगा मैथ्स के जो साइंटिस्ट है? नहीं, एक बार में नहीं हो पाया बेटा, कोई भी चीज एक बार में नहीं होती, बार बार निरंतर प्रयास से होती है। ठीक है, तो प्रयास करना ना भूलिए, ठीक है, प्रयास जारी रहना चाहिए। ठीक है, तो चलिए ज्ञान बहुत हो गया। देखो यहाँ देयरफॉर मत दो, यहाँ माइनस, ठीक है, क्यों माइनस क्यों किया? क्योंकि इसके साइन सेम थे, तो प्लस इनटू माइनस, माइनस प्लस इनटू माइनस, माइनस प्लस इनटू माइनस, माइनस। टेंथ का बेसिक है बेटा, टेंथ का बेसिक। चाहिए तो वीडियो देख लेना, चैनल पर अवेलेबल है इसके वीडियो। अब ये कट गए, ये दोनों गए 12 के भाव में। अब ये देखो ये इन दोनों का बचेगा, मतलब ए, ये इसका साइन प्लस नहीं, अब माइनस, क्योंकि साइन हो जाता है बेटा चेंज, इसमें परिवर्तन हो चुका है, इसका हृदय परिवर्तन हो चुका है, तो ये प्लस से क्या बन चुका है? माइनस, और ये भी माइनस, तो 3d बार माइनस 4e बार। क्लियर है तक? यहां तक क्लियर? अब देखो मुझे क्या चाहिए था, डी और ओ चाहिए था, तो मैं डी के पास ओ वाला लगाता हूं, तो 3d बार प्लस 2o बार, और मुझे ए और ई चाहिए, तो ए वाले के पास देखे जाए तो प्लस 4e बार। क्लियर? अगर मैं ए की बात कर रहा हूं तो इन दैट केस ई होना चाहिए, इसे सीधा लिखने की जरूरत है? अगर लिखना है तो लिखो, वरना मत लिखो। वैसे कि हमें तो ओ डी का पूछा, मतलब ओपी इज टू पीडी निकालना, ये लाए करते हैं इस पे, उनका तो पूछा भी नहीं है। ठीक है, तो ओपी इज टू पीडी का निकालना है। ठीक है, तो ये उस हिसाब से ये सही है, क्योंकि अगर हम बोलते बेटा देखो ओपी ओपी पीडी, मतलब इसका मीनिंग होगा, इन्होंने लिखा होगा ओडी, क्या लिखा होगा? ओडी, और ये जो ओडी है इसमें पहले ओपी आता है, तो ओडी का अगर हम वेक्टर निकालेंगे, ठीक है, इन दैट केस तो डी वेक्टर प्लस ओ वेक्टर, ऐसे होगा ना कुछ, मतलब एमएन, इसमें एमएन डाल दिया तो डी प्लस ओ, समझ रहे हो? तो ये सेम है, तो याद रखो दोनों साइड 3 + 2 1 + 4 5 आ रहा है, चलो डिवाइड कर दो शातिर तरीके से, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था, दोनों साइड 5 ले लिया, मतलब कुछ लिया गया नहीं, ये बैलेंसिंग स्टेप है, दोनों साइड 5 लिया, 1 लिया, ठीक है, क्लियर? मैं उनके लिए बता रहा हूँ बेटा, जिनको नहीं समझता है, जिनको समझता है वो होशियार है बेटा, आपको समझ जाता है, आप प्रैक्टिस करते हो बचपन से, लेकिन इसने नहीं पढ़ा, अब सीख ले बेटा, तो ठीक है, दिल छोटा मत कर, 1 + 4, समझ रहे हो? अब देखो ये हो गया, अब LHS और NHS दोनों रिप्रेजेंट कर रहे हैं, किसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ये मिटा दो, ये ऐसे लिखने की जरूरत नहीं, आपके लिए लिखा मैंने सब कुछ, वरना इतनी फिगर निकाल के छोड़ दो, ये 2 1 की कोई जरूरत नहीं इसकी, ठीक है? तो देखो LHS और NHS, इसका थोड़ा सा बोल बच्चे देंगे, थोड़ा सा अब इसे रिटर्न में देंगे, लिखित लिखित में लिखेंगे इसे, तो लिखित में क्या लिखेंगे बेटा? लिखित में सीधी सी बात है, जो हमें लिखनी है वो मेन ये है कि हम प्रूफ करेंगे, हम प्रूफ करेंगे कि ये ओपी और पीडी का ये रेशियो है, ठीक है? तो चलिए लिखते हैं LHS क्या है बेटा, LHS इज द पोजिशन वेक्टर, LHS इज द पोजिशन वेक्टर, ये बोल बच्चे याद करके जाना, LHS इज द पोजिशन वेक्टर, ठीक है, ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स ओनली, ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स ओडी, विच डिवाइड्स ओडी, ठीक है, क्लियर है? इन द रेशियो, कौन से रेशियो में? इन द रेशियो, सेम पिछले जैसा, इन द रेशियो, इन द रेशियो कितना रेशियो बेटा? 3:2, 3:2, देयरफॉर ओपी इज टू पीडी इज इक्वल्स टू 3:2, हो गया सॉल्व, ओपी इज टू पीडी 3:2, ठीक है, क्लियर है यहां तक? अब चाहिए तो RHS का भी लिख लेना ऐसे, RHS इज द पोजिशन वेक्टर, ये सेम ऐसी ही है, ऐसी लाइन यहां लिखना, ठीक है, और लिख देना इधर, ठीक है, क्लियर है? तो ये आपके ऊपर छोड़ सकता हूं, ठीक है? तो यार हमारा 10th क्वेश्चन, नंबर इतना भूल गया, 10th ही था ना, 10th क्वेश्चन होता है खत्म, अब हमारे दो क्वेश्चन बचते 11th 12th, तो जल्दी से उन्हें निपटा लेते, तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 11, कौन सा 11, तो इफ द सेंट्रोइड ऑफ अ टेट्राहेड्रॉन OABCD, अब टेट्राहेड्रॉन बोला है बेटा, टेट्राहेड्रॉन OABCD, ठीक है, डी नहीं बोला है, इज
सेंट्रॉइड इसका, इसका सेंट्रॉइड ये जी, ठीक है। इट्स वन, इसकी पॉइंट भी दी है, जी के पॉइंट दिए, जी के पॉइंट है वन कॉमा टू कॉमा माइनस वन, ए के पॉइंट है बेटा ए कॉमा टू कॉमा थ्री, बी के पॉइंट है बेटा वन कॉमा बी कॉमा टू, बीच में साइन लेता हूँ चिंता मत करो, टू कॉमा वन कॉमा सी, ठीक है। तो देन फाइंड पी के, पी पी के मतलब पी के आमिर खान वाला नहीं, पी ए कॉमा बी कॉमा सी फ्रॉम द ओरिजिन, हमें ओरिजिन से निकालने हैं इसके साइन, कहाँ से निकालने बेटा ओरिजिन से। तो चलिए शुरू करते हैं प्रॉब्लम। तो देखो आप टेट्राहेड्रॉन का फॉर्मूला सबको पता है बेटा, जी इज इक्वल टू जी वेक्टर, मतलब जी पोजीशन वेक्टर इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी सारे के पोजीशन वेक्टर अपॉन फोर, ये सबका सबको पता है ये, ठीक है। तो ये तो जग जाहिर है, ठीक है, कोई विषय नहीं इसमें। तो जी इज इक्वल टू यहाँ ए यहाँ बी और यहाँ बेटा सी, ठीक है। तो इन सबको पोजिशन वेक्टर लिखते लिख लू साइड में लिख लू, लेट पोजिशन वेक्टर्स ऑफ ए बी सी एंड डी, सॉरी डी नहीं जी, आर ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर एंड जी वेक्टर। क्लियर है यहां तक, जी वेक्टर तक यहां तक पूरे तरीके से क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। देयरफॉर हमारा ए वेक्टर हो गया ए आई कैप प्लस टू जे कैप प्लस थ्री के कैप, ठीक है। मैं गड़बड़ करके भी ले सकता बेटा सारे प्रॉब्लम, लेकिन उसमें कोई उपयोग नहीं है। बहुत से बच्चे बोलते हैं स्पीड से, तो स्पीड से नहीं ले सकते बेटा, पोर्शन लेना है हमें, लेकिन भागना नहीं है ज्यादा, लिमिट में भागो जितना भाग सको, वरना हाफ के मर जाओगे जगह पे। सही बात है, हाफ के मर जाओगे, इतना लिमिट आपको उतना ही पुश कर सकता है जितना पुश हो सको, ठीक है। इतनी घाई नहीं है, धीरे धीरे समझ के चलो आगे, ऐसा ना हो कि सिर्फ आगे का पता है पीछे का कुछ अता पता नहीं है, ऐसा ना हो, ठीक है। हाँपना नहीं है, आराम आराम से, मैराथन में वही जीतता है बेटा जो धीरे धीरे भागता है स्टार्टिंग में, मतलब चालू रहता है वो निरंतर स्टडी स्टडी चालू रहता है वो, कभी निरंतर प्रयास करते रहना। यहाँ जे प्रवचन हो गया सी के, ठीक है, समझ गया ना। ये वेक्टर तो लिखते थे आई जे के आई जे के आई जे के, ठीक है, लिख दिया सबको मैंने, क्लियर। अब जी बचा सिर्फ, तो जी का भी लिख लेते हैं, इसके साथ दुश्मन थोड़ी लगती, पर्सनल दुश्मन नहीं है इसके साथ, मैं तो लिखूंगा आई तेरी नहीं है बेटा, तू भी मत, तू भी लिख, सॉरी लिख दिया मत लिख लिख, ठीक है, समझ रहे हो। बाय कौन सा फॉर्मूला, बाय कौन सा फॉर्मूला, बाय टेट्राहेड्रॉन, टेट्राहेड्रॉन बाय टेट्राहेड्रॉन सेंट्रॉइड फॉर्मूला, डायरेक्ट भी लिख सकते चाहिए तो बाय सेंट्रॉइड फॉर्मूला ये भी लिख सकते, ठीक है, यस बाय सेंट्रॉइड फॉर्मूला फॉर टेट्राहेड्रॉन ये भी लिख सकते, आपकी इच्छा क्या आपको लिखना है वो, ठीक है। बी बाय फोर ये आपको पहले क्लास में बता दिया था बेसिक्स में, ठीक है। जी वे जी वेक्टर कौन सा अपना जी पोजीशन वेक्टर से ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बाय फोर, ये क्लियर है। तो चलो अब ये फोर इधर ला लेते, पहले तो फोर जी, 5G आ चुका, 4G का क्या जमाना बोल रहा है, मेरी सिटी में 5G आ गया, A प्लस B प्लस C प्लस D, क्लियर। तो हमें निकालना कौन सा है बेटा, हमें तो ABC सारों के निकालने, अरे यार फंसा दिया है ना, समझ रहे हो, समझ रहे हो ना, ठीक है। तो चलो देखते आएंगे, अब यहाँ जो एक है ना उसे हम ले लेते 0 0 0 एक, ये हो गया हमारे यहाँ तक, यहाँ तक हो गया, पहले वैल्यू डाल देते, पहले वैल्यू डाल देते फिर देखते क्या होता। तो 4 इन ब्रैकेट जी के क्या है बेटा आई प्लस टू जे माइनस के, सोच लेना कभी प्रॉब्लम करने से पहले, आगे का थोड़ा सा सोचना, प्रीकास्ट कर लेना जिससे कि आपको प्रॉब्लम आसान जाए, वरना क्या हो जाएगा एकदम से आप अटक जाओगे बीच में और सॉल्व ही नहीं होगा, ऐसा होता है बहुत बार, ठीक है मैथ्स में। तो ए आई कैप प्लस टू जे कैप प्लस थ्री के कैप, क्लियर। और यहाँ बी देखो आई कैप बड़ा है थोड़ा लंबा जाएगा, जे कैप प्लस टू के कैप, ठीक है। अब यार डिवाइड में तो कोई नहीं है, तो नीचे लिखो, नीचे लिखो यार डिवाइड में ऐसे भी कोई नहीं, ये फोर था अकेला बचा उसे, उसको उधर फेंक दिया, ठीक है, फेंक दिया मतलब उधर शिफ्ट कर दिया उसे, ठीक है,
फिर दिया मतलब काम का है वो अभी भी है। तो ये हो गया, अब ये बी तक हो गया हमारा, सी लिखना है। टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस सी के कैप। अब सर यार डी तो है ही नहीं, डी क्या ले। ठीक है तो एक काम करो बेटा, डी को जो है ना जीरो 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 पकड़ लो। क्या पकड़ लो? जीरो जीरो जीरो, एक ओरिजिन है, समझ लो ये ओरिजिन है। ठीक है तो इसको जीरो 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 ले सकते हो, तो जीरो आएगा, जीरो जाएगा, जीरो ले कर ले को भी फायदा नहीं, ले सकते हो कोई विषय नहीं है, ले सकते हो बड़े आराम से ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसको ओरिजिन समझ, क्या समझ? ओरिजिन, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। यही मैं बोल रहा था कि पिछला प्रॉब्लम भी इस केस से चल जाता, लेकिन मैं इसलिए किया नहीं क्योंकि आपको वो सिक्स क्वेश्चन से ऑलरेडी याद था जिसने पढ़ा था उसे, तो मुझे रिवाइज करवाना था आपको क्वेश्चन, इसलिए मैंने इस तरीके से नहीं लिया। ठीक है तो यहाँ आप अगला, अगली बार अगर जब आप सॉल्व करो तो इस केस से करके देखना, अगर आंसर ना आए तो मुझे एक बार सिर्फ कमेंट सेक्शन में बोल देना, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है जल्दी से जल्दी, जितनी जल्दी हो सके। तो ओरिजिन जीरो कॉमा जीरो ले लो, जिससे कि यार जीरो 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 हो जाए तो डी लिखने की जरूरत ही ना पड़े, समझ रहे हो? ठीक है तो यहाँ इसे सॉल्व करते हैं अच्छे से। तो सॉल्व करने के बाद इसे सॉल्व करते हैं, तो कंपेयर करेंगे इसका, पहले सॉल्व कर लेते थे तो अंदर मल्टीप्लाई, फोर इंटू आया बेटा, फोर है, ये बहुत बड़ा हो गया इसके कारण यहाँ जगह नहीं पूरी। चलो लिखते फिर भी, अब क्या कर सकते हैं, फोर आए प्लस फोर टू जाए बेटा, फोर वन का फोर, फोर टू जाए एट जे, कुछ कुछ बच्चों ने कर भी लिया होगा मेरे आगे, यहाँ माइनस फोर के। जो जो पेन और पेपर लेके बैठे हो, मतलब बुक लेके बैठे हो, वो तो कर देते मेरे ऐसा, पहले आगे कर देते हो। ये देखो अभी आए है ना दोनों के पास, आए तो आए एक बार कॉमन निकालो डायरेक्ट ऐसे, और अंदर लिखो ए प्लस टू, ए प्लस टू, लेकिन ऐसे लिख सकते नहीं, ये देखो ए प्लस वन प्लस टू, देखो यहाँ भी आए, यहाँ भी आए, यहाँ भी आए, तीन बार आए। ठीक है तो इसका तीन लिख सकते डायरेक्ट, लेकिन मत लिखना ए प्लस वन प्लस टू, फील आना चाहिए, ए प्लस वन प्लस टू आए, ये बारीक लिखना थोड़ा, दिख रहा होगा आपको कैमरे में क्लियरली, क्योंकि मैंने बहुत ही डार्क लिखा है। ठीक है चलो आगे हो गया। अब जे देखो, जे टू बी और यहाँ देखो वन, टू बी और वन, टू बी और वन, टू प्लस बी प्लस वन। ठीक है तो यहाँ हो जाएगा टू प्लस बी प्लस वन, और यहाँ हो जाएगा बेटा जे प्लस के, क्या क्या हो जाएगा, थ्री प्लस टू प्लस सी, थ्री प्लस टू प्लस सी, क्लियर है तक? ठीक है तो चलो अब आया वाले कंपेयर कर लो, ये जेड नहीं है बेटा, ये टू है, क्या है, टू है ये। ठीक है यहाँ देख लो, ये तो टू है ना, टू टू है, ये देखो टू है, यहाँ टू है, क्योंकि इसका जो था वो टू था, सी का ये पॉइंट। ठीक है सी का ये लिखा है ना, ठीक है, और वो तो हमने ओरिजिन ले लिया तो उसकी तो जरूरत ही नहीं पड़ी, इसको जरूरत नहीं है, ये खत्म हो गया, यही खत्म हो गया। ठीक है जीरो 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 लिख रहा है जिसको लिखो बेटा, कोई इश्यू नहीं है, जीरो से वैसे भी जीरो आएगा कोई भी। ठीक है स्केलर चल रहा है, जीरो इंटू स्केलर जीरो होता है, ठीक है पता है आपको, तो आई जे के जो भी इंडक्टर है इसका। तो चलो आगे देखते हैं, अब फोर ये इससे मल्टीप्लाई करते, तो फोर इज इक्वल टू ए प्लस वन प्लस टू, ये कंपेयर हो गया, ये हो गया बेटा थ्री, तो फोर इज इक्वल टू ए प्लस थ्री, डायरेक्टली लिख सकता था मैं और एक्स, कोई फायदा नहीं लिख के, तो ए इज इक्वल टू फोर माइनस थ्री हो जाएगा बेटा वन, फोर माइनस थ्री, ये थ्री इधर प्लस हो जाएंगे माइनस, क्लियर। अब एक बार एट से कंपेयर करो इसे, तो एट इज इक्वल टू टू प्लस बी प्लस वन, तो ये हो जाएगा बेटा एट माइनस थ्री इज इक्वल टू बी, तो बी इज इक्वल टू फाइव, इतना भी डायरेक्ट दो स्टेप लिख लेना, अब कोई भी बोलेगा सर यहाँ डायरेक्ट फाइव लिख देते, नहीं उतना लिखना चाहिए, इतनी इज्जत रखनी चाहिए बोर्ड की, स्टेप्स के भी मार्क्स होते हैं। चलो आगे देखते हैं, ऐसे इसके नहीं होते लेकिन फिर भी अच्छा लगता हो, माइनस फोर थोड़ा बड़ा प्रॉब्लम, थ्री प्लस टू प्लस सी, तो यहाँ हो जाएगा हमारा सी इक्वल टू, ये माइनस फोर इधर आके माइनस में, तो माइनस फोर माइनस फोर हो गया हमारा माइनस नाइन, सी आ गया हमारा माइनस नाइन, क्लियर। एबीसी आ गया बेटा, एबीसी निकाल रहे थे, ठीक है समझ रहे हो, एबीसी निकल रहे हैं, एबीसी निकल गया हमारा। ठीक है देयर फॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी पूछा था ना क्वेश्चन में, एक बार देख लेता हूँ, फाइंड द डिस्टेंस बोला है एबीसी फ्रॉम द ओरिजिन, तो ओरिजिन तो पहले तो लिखते कोऑर्डिनेट्स, द डिस्टेंस कोऑर्डिनेट्स डायरेक्ट डिस्टेंस लिखते, द डिस्टेंस ऑफ पी ए बी सी फ्रॉम द ओरिजिन
इज, अब देखो यहाँ निकालते हैं डिस्टेंस, तो लेंथ या डी कुछ भी लिख सकते हैं, एल या डी पी बार, ठीक है, और किसका ओपी बार, क्यों, क्योंकि ओरिजिन से था, ओरिजिन से, अब जो जहां भी होगा मुझे नहीं पता होता है, सपोज यहाँ होगा, ठीक है, मुझे नहीं पता वो कहाँ होगा, सपोज वहां होगा वो, ठीक है, पी बार, तो जहां भी होगा वो पॉइंट, ठीक है, तो हाँ देखो अब इनके बीच में आएगा वैसे मेरे हिसाब से, चलो अब देखो हमें वैसे भी ड्रॉ करने को नहीं बोला है, तो देखो क्या फॉर्मूला होता है बेटा, एक्स है ना, देखो एक्स टू माइनस एक्स वन का स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का स्क्वायर प्लस जेड टू माइनस जेड वन का स्क्वायर, ये होता है, तो ये तो जीरो है ओरिजिन के, तो ये सारे जीरो, तो यहाँ आ जाएगा बेटा इसका आ जाएगा वन माइनस जीरो का स्क्वायर प्लस यहाँ हो जाएगा बेटा फाइव माइनस जीरो का स्क्वायर प्लस सेट माइनस थ्री माइनस नाइन माइनस जीरो का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा बेटा अंडर रूट वन का स्क्वायर प्लस फाइव का स्क्वायर प्लस माइनस नाइन का स्क्वायर, तो ये हो गया हमारा वन प्लस ट्वेंटी फाइव प्लस एटी वन इज इक्वल टू अंडर रूट, ये 26 और ये 81 हमारा हो गया है, हाँ 107 मेरे हिसाब से हो गया ना 107, क्लियर है ना, देखो ये हो गया 7 5 और 1 6 और 1 7 और ये 8 और 2 10, क्लियर, यह हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा, ये अभी 11 खत्म हो गया, ठीक है, आपको तो पता था ना क्वेश्चन नंबर 11 है, स्टार्टिंग में बताया था, ठीक है, तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, अब कौन सा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, तो चलिए शुरू कर, तो चलिए बच्चों अब इस 5.2 का लास्ट क्वेश्चन लेते हैं जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 12, और इसमें क्या बोला है, बड़ा ही आसान है बेटा, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, फाइंड द सेंट्रोइड ऑफ टेट्राहेड्रॉन, सेंट्रोइड निकालना है, ठीक है, हमें वर्टाइसेस दिए हुए हैं के एक सेट टेट्राहेड्रॉन निकाल लेते पहले, बिना फिगर के सॉल्व ही नहीं करना, ठीक, कोई गड़बड़ नहीं होती, फिगर निकालने से सिक्योरिटी हो जाती, थोड़ी मेरी अच्छी नहीं है, एडजस्ट कर लो थोड़ा, ठीक है, तो चलिए माफी चाहता हूँ इस फिगर के लिए, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं, मिटा सकते हैं सारा, कुछ बच्चे बोल रहे हो बेटा तू बना ले, कोई बात नहीं, ठीक है, तो चलो यहाँ बीच में सेंटर पे कोई लाइक करता होगा, ठीक है, तो ये निकल रहा है, तो के पॉइंट बेटा दिए हुए हैं माइनस फाइव कॉमा माइनस सेवन कॉमा जीरो, माइनस फाइव नहीं पॉजिटिव, ठीक है, चलो एल के वन कॉमा फाइव कॉमा थ्री और एम के बेटा दिए है फोर कॉमा माइनस सिक्स कॉमा थ्री और एन के बेटा दिए है सिक्स कॉमा माइनस फोर कॉमा टू, ठीक है, तो अब निकालो बोलते हैं सेंट्रोइड, तो चलो शुरू करते हैं सेंट्रोइड निकालना, आधे से ज्यादा बच्चों को तो प्रॉब्लम समझ में भी आ गया होगा ऐसा लग रहा है मुझे, तो सबसे पहले लिखना लेट, ये लिखना ना भूलना, पोजिशन वेक्टर्स ऑफ किस किस के बेटा K, L, M, N and G R, K vector, L vector, M vector, N vector and G vector, मतलब G bar, bar आप क्या बोल रहे हो, K bar, L bar, M bar, N bar and G bar, ठीक है, G dash, G bar, ठीक है, वेक्टर से ये सारे, ठीक है, समझ रहे हो उत्तर, ठीक है, तो फॉर्मूला आपको बताया, बाय सेंट्रोइड, इस बार अलग स्टाइल से लिखते सेंट्रोइड फॉर्मूला, फॉर्मूला नहीं फॉर्मूला, फॉर टेट्रा हेड्रॉन क्या हो जाएगा बेटा, सादा सा एग्जांपल, G is equals to K bar plus N plus M plus N upon 4, बस कर पाओगे क्या, सबसे इम्पोर्टेंट चीज ही लिखनी, देखो ये वेक्टर तो लिख दिया, अब इनके ये लिखे नहीं तो यहाँ लिख देते, अब इसके आगे बराबर इसके 5y cap minus 7j cap plus 0 k cap, ठीक है, एल का बहुत से बच्चों ने आंसर भी निकाल लिया होगा इसका, फाइव जे के कीप इट अप बेटा, ये स्पिरिट आपको आगे काम आएगी,
होनी चाहिए, ठीक है 4 आ गया। लेकिन टीचर का पहले सुन लो, बहुत से बच्चे आजकल सुनते नहीं, डायरेक्ट चालू कर देते, वैसा नहीं करना चाहिए, सुनना भी चाहिए पहले। अगर कोई प्रॉब्लम हो, कभी कभी ऐसे ट्विस्ट रहता है इस प्रॉब्लम में, डायरेक्ट डायरेक्ट ऐसे इजी प्रॉब्लम बहुत कम पूछे जाते हैं, तब आपको बहुत इश्यू हो सकता है, इसलिए ध्यान देना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक समझ गया, तब तक मैंने इसके सारे सारे लिख लिए, ये तो आपको पता ही है 6 प्लस माइनस कैसे लिखना है, एक्स वाई जेड, क्लियर है ना, ये सब पता होगा आपको। ठीक है, अगर वेक्टर्स तक पहुंचा मतलब ये पता है, ठीक है, एक्स आई माइनस वाई और ये जेड, ये सब पता है। ठीक है, चलिए अब के एल एम हम यहाँ डाल दे और आंसर निकाल लेते हैं। सर हम निकाल लेते हैं, आपके मन में होगी ये बात, कोई बात नहीं, इतना साथ निभाया आपको, इतने के लिए थोड़ी छोड़ूंगा। तो 5y कैप माइनस 7j कैप, और कौन कौन वीडियो में लास्ट तक पहुंचा वो भी पता चलता है, ठीक है, प्लस आई कैप, और 2x करके तो गलती से भी देखना मत, समझ में कुछ नहीं आएगा, 3k कैप, ठीक है, प्लस 4i कैप माइनस 6j कैप प्लस 3k कैप प्लस 6i कैप माइनस 4j कैप। सर दिख नहीं रहा आपके कारण, ठीक है सर, अगला एक मिनट, ठीक है, अपॉन 4 अपॉन 4, इन सबके अपॉन 4, दिख रहा है, सबकी एडिशन कर दी मैंने, सारे के सारे एडिशन में लिख लिए, ठीक है। अब ये जी बेचारा साइड में, 5 और 1 6, 6 और 4 बटा 10, 10 और 6 बटा 16, 16i कैप माइनस 7, ये प्लस तो ये हो गया माइनस 2 इन दोनों का, और ये माइनस 2 के बाद हो गया माइनस 8, माइनस 8 के बाद हो गया बेटा माइनस 12, क्लियर। 0 3 3 6 6 प्लस 2 8 8, क्लियर, अपॉन 4, क्लियर है आता। अब ये 4 क्या करना है, सिर्फ सब में बांट देना है, क्या करना है, सब में बांट देना है, हमें सिर्फ सब में बांट देना है ये 4, और आंसर हमारा यहाँ आ चुका है, 4 सब में बांट देना है। तो देखो जी वेक्टर मतलब जी बार जी पोजीशन वेक्टर इक्वल टू 16i कैप अपॉन 4 माइनस 12j कैप अपॉन 4 प्लस 8k कैप अपॉन 4, तो ये हो गया 2 पे कट गया, ये 3 पे कट गया, ये 4 पे कट गया, तो जी इज इक्वल टू 4i कैप माइनस 3j कैप प्लस 2k कैप, क्लियर है आता, यहाँ तक क्लियर है, ये 3 माइनस 3 होगा, समझ नहीं रहा होगा माइनस, ठीक है। तो यहाँ तो कोऑर्डिनेट्स आर, लास्ट में लिख लेते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रोइड जी आर 4, -3, 2, ठीक है बेटा। तो इसी के साथ यह हमारा 5.2 एक्सरसाइज कंप्लीट होती है, और ऐसे आगे आपको 5.3, 5.4, 5.5 मिलती रहेगी विद बेसिक्स। अभी 5.3 का बेसिक थोड़ा बड़ा है बेटा, तो उसका एक लेक्चर तो सिर्फ बेसिक में चल जाएगा मेरे हिसाब से, फिर भी इसे अच्छे से लिख लीजिए। मैं फिर से एक बार क्वेश्चन नंबर देना भूल चुका हूँ, जो कि क्वेश्चन नंबर 12। तो यहाँ होता है हमारा एक्सरसाइज कंप्लीट, इसी के साथ स्टडी विद यूनिक पे बने रहिए, आपको हर एक वीडियो का अपडेट मिलता रहेगा, ठीक है। तो चलिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, जय हिंद जय भारत, तब तक के लिए धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, थैंक यू।